उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बिहार के मुजफ्फरपुर की एक अदालत में सोमवार को याचिका दायर की गई है। इसमें एक भाषण में योगी की विवादित अब्बा जान वाली टिप्पणी को लेकर आपत्ति जताई गई है। सीएम पर मुस्लिमों की धार्मिक भावनाएं आहत करने को लेकर केस दर्ज करने की मांग की गई है। मुजफ्फरपुर की सामाजिक कार्यकर्ता तमन्ना हाशमी ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में याचिका दायर की। तमन्ना ने आरोप लगाया है कि भाजपा नेता की टिप्पणी से मुस्लिम समुदाय, जिससे वह संबंधित है, का अपमान हुआ है। WHO इसी हफ्ते भारत में तैयार हुई कोवैक्सीन को मंजूरी दे सकता है। परीक्षण नतीजों से जुड़े डेटा के देर से प्रकाशित होने की वजह से अब तक कोवैक्सीन को संगठन से मंजूरी नहीं मिल पाई थी। गौरतलब है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने पिछले महीने ही कहा था कि भारत बायोटेक की कोरोना वैक्सीन यानी कोवैक्सीन को आपातकालीन मंजूरी देने पर सितंबर के अंत तक फैसला लिया जा सकता है। देश में कोरोना के खिलाफ चल रहा टीकाकरण अभियान तेजी से आगे बढ़ रहा है। दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान ने सोमवार को एक और कीर्तिमान अपने नाम कर लिया। देश में अब तक कुल टीकाकरण का आंकड़ा 75 करोड़ के पार पहुंच गया है। WHO ने भी भारत के टीकाकरण की रफ्तार की तारीफ की है। WHO ने कहा कि भारत ने 13 दिन में ही 65 करोड़ से 75 करोड़ का आंकड़ा छू लिया है। गुजरात के मनोनीत नए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने सोमवार को राज्य के 17वें मुख्यमंत्री के तौर पर राज्यपाल के समक्ष पद और गोपनीयता की शपथ ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत भाजपा के कई दिग्गज नेता इस शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद रहे। पीएम नरेंद्र मोदी ने गुजरात के नए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को ट्वीट कर बधाई दी। पीएम ने लिखा कि भूपेंद्र भाई को गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर बधाई। मैं उन्हें वर्षों से जानता हूं और उनका अनुकरणीय कार्य देखा है, चाहे वह भाजपा संगठन में हों या नागरिक प्रशासन और सामुदायिक सेवा में। वह निश्चित रूप से गुजरात के विकास पथ को समृद्ध करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी PCB के नव निर्वाचित अध्यक्ष रमीज राजा ने सोमवार को कहा कि भारत के साथ द्विपक्षीय सीरीज को फिर से शुरू करना अभी असंभव है। उन्होंने कहा कि वह इसके लिए जल्दी में नहीं है, क्योंकि उनका ध्यान इस समय केवल अपने देश के घरेलू क्रिकेट पर है। राजा ने आगे कहा कि राजनीति ने खेल मॉडल को खराब कर दिया है और हम इस मुद्दे पर जल्दी में नहीं है, क्योंकि हमें अपने घरेलू और स्थानीय क्रिकेट पर ध्यान देना है। केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों के खिलाफ एक बार फिर किसान संगठन अपना प्रदर्शन तेज करने जा रहे हैं। इसी सिलसिले में संगठनों ने 27 सितंबर को देशव्यापी भारत बंद का आह्वान किया है। संगठन ने अपनी इकाइयों को गांव, शहर और राज्य में इसकी पूरी तैयारी करने के निर्देश दिए हैं। सभी से संपूर्ण बंद करने के लिए कहा गया है। इसमें सभी से संगठनों से एकजुटता के साथ भारत बंद का सफल बनाने का आह्वान किया जाएगा। वरिष्ठ कांग्रेस नेता ऑस्कर फर्नांडिस का सोमवार को निधन हो गया। वे काफी समय से बीमार चल रहे थे। 80 साल के ऑस्कर फर्नांडिस मंगलुरु के अस्पताल में भर्ती थे। ऑस्कर फर्नांडिस की कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी के करीबियों में से एक थे। वह UPA सरकार में सड़क परिवहन मंत्री भी रह चुके थे। मुंबई के साकी नाका दुष्कर्म व हत्या केस में मुंबई पुलिस की किरकिरी के बीच पुलिस कमिश्नर के बयान ने भी विवाद पैदा कर दिया है। अब उन्होंने इसे लेकर अपनी सफाई पेश की है। उन्होंने कहा कि मेरे बयान का कुछ लोगों ने गलत अर्थ निकाला। मैं कहना चाहता हूं कि पुलिस हर जगह पहुंच सकती है। तब मैंने कहा था कि पुलिस हर जगह मौजूद नहीं रह सकती और ये हकीकत है, लेकिन पहुंच जरूर सकती है और हम 10 मिनट के भीतर पहुंच भी गए थे। मैं अपने पुराने बयान पर कायम हूं। प्रवर्तन निदेशालय यानी ED ने राजीव सक्सेना को गिरफ्तार कर लिया है। अधिकारियों ने सोमवार को कहा कि कथित बैंक धोखाधड़ी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई है। राजीव सक्सेना 3600 करोड़ रुपए के VVIP हेलीकॉप्टर सौदे मामले में आरोपी हैं। उन्होंने कहा कि सक्सेना को हिरासत में लेने के लिए यहाँ एक अदालत में पेश किया जाएगा। तालिबान में सत्ता में शीर्ष पदों के लिए आपसी खींचतान के बीच कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि मुल्ला अब्दुल गनी बरादर गोली लगने से घायल हो गए हैं। यहां तक कहा जा रहा था कि पद को लेकर तालिबान नेताओं के बीच विवाद गहरा गया है। इसके बाद बरादर का एक ऑडियो क्लिप सामने आया है। इस क्लिप में कहा गया है कि मेरे गायब रहने के दौरान मीडिया एक्टिविस्ट ने प्रोपेगेंडा फैलाया। बता दें कि अफगानिस्तान की नई सरकार में बरादर को डिप्टी प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। वीडियो डेस्क, अमर उजाला .com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।